सोमवार को वट सावित्री व्रत की पूजा धूमधाम से हुई। हिंदू धर्मावलंबी महिलाओं ने व्रत रखकर अपने सुहाग के कल्याण एवं रक्षा की कामना की। व्रत को लेकर सुबह से ही महिलाओं का हुजूम शहर के विभिन्न बरगद पेड़ के नीचे दिखने लगा। पंडित के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महिलाओं ने विधि विधान के साथ वट वृक्ष का पूजन किया एवं वृक्ष में कच्चा सूत बांध कर परिक्रमा की। हरी लाल पीली साड़ियों में सजी महिलाओं ने इस पर्व को लेकर व्रत धारण की। उन्होंने पूजन के उपरांत सदा सुहागिन रहने की मनोकामना की। वहीं जीएन भारत के संवाददाताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री पूजा को कवरेज किया। घाघरा, सिसई, लोहरदगा, गुमला, भरनो समेत कई जगहों पर वट सावित्री व्रत की पूजा की गई। बताया जाता है कि पुरंत काल में सती सावित्री ने इस व्रत को किया था तथा सदा सुहागन रहने की मंगल कामना भी की थी। व्रत के परिणाम स्वरूप उनके पति की उम्र पूरी हो जाने के बाद भी यमराज ने पुनः जीवन दान दिया था। तब से यह व्रत पृथ्वी लोक पर प्रचलित है और सुहागन महिलाएं इस व्रत को धारण करती है। व्रत को लेकर दिन भर सड़कों पर रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं की भीड़ देखी गई। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। सभी महिलाएं अपने पति पुत्र का वृद्ध आयु के लिए करते हैं और जो नारी ये व्रत को करता है सदा सुखमयी और सदा सुहागवती रहती है, इसलिए व्रत को धारण करती है। यही हमारे सनातन धर्म कहा है, ये सनातन धर्म में ये व्रत का बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही महत्वपूर्ण मानते हुए ये व्रत को करता है। ये व्रत को ब्राह्मण को द्विज का द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, वह ब्राह्मणों का चरण दया को भीख मांगता है। यही विष्णु सदा हम पर कल्याण करे, हम पर कृपा करे। इसीलिए हमारे जितने माता बहनों लोग हैं, छोटी छोटी नन्हे नन्हे बच्चे लोग सनातन धर्म को सदा कायम रखे। यही यही कहकर हम लोग वर सावित्री भगवान का पूजा करने आए हैं। प्रकृति का पूजा है, हम लोग हर साल सब महिलाएं जुट के यहाँ धूमधाम से वर गाछ का पेड़ का पूजा करते हैं। अपना खंड सौभाग्य का प्राप्ति के लिए हर साल सुहागिने यहाँ पर आके प्रकृति का वर गाछ का पूजा करते हैं। इसलिए भी इस वर पेड़ का पूजा किया जाता है क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास है, खास करके ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान का विशेष रूप से इसमें निवास रहता है। इसीलिए हम लोग इस पेड़ को पूजा किए, यही पेड़ है, हम लोग इसको आदर पूर्वक पूजा करते हैं। सुहागन लोगों की पूजा है, इसमें पति के लिए पूजा किया जाता है। सावित्री सत्यवान का जो कथा है, जो नॉर्मली सब लोग जानते ही हैं कि वो कैसे अपने पति को यमराज के पास से बचा कर ले आई थी, तो उसी की मान्यता के लिए, इसी मान्यता पे सब लोग पूजा करते हैं कि अपने पति की रक्षा के लिए ये पूजा हम लोग सब लोग करते हैं। पूजा का विधान क्या है? पूजा का विधान ये है कि बर पेड़ का पूजा होता है, इसमें ठंडा शरबत फल फूल ये सब सारे लोग दान करते हैं और फेरी लिया जाता है। जिसकी जितनी इच्छा हो या जितनी शक्ति हो उसके अनुसार फेरी लेते हैं इसमें पूजा में। और है कि बेना सब लोग जितने फेरी लगाते हैं, सिंदूर लगाकर बेना करके भगवान को। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।